77वां स्वतंत्रता दिवस अलीगढ़ एएमयू में बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश में आजादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय गान के साथ साथ एएमयू तराना भी गाया गया। छात्रों और एएमयू के लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। वहीं लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, हमें इस देश की आजादी में शहीदों को नहीं भूलना चाहिए। वहीं हमने उन्हें याद कर ये 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। वहीं एक्टिंग वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से गणतंत्र दिवस भी मनाया जाए। जिस तरीके से हमारे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाईचारे की एकता देखने को मिली है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमने एएमयू में G20 के तहत पार्क में सभी तरीके के पौधे लगाए हैं और एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे कि आने वाले युवाओं को प्रेरणा मिल सके। आज हम लोगों ने यहाँ श्रीजू हॉल पे 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोग ने यहाँ सेलिब्रेट किया है और पूरी अलीगढ़ फ्रेटर्निटी में ये पूरा इंडिपेंडेंस डे का हर जगह माहौल है। और जाहिर सी बात है, आज हमारा देश पूरे तरीके से आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947। सो बेसिकली आज हम लोग ने तिरंगा ओढ़ के अपने सरों पे ये पूरी तरीके से इमेजिनेशन हर जगह फैला के रखी है कि किस तरीके से 15 अगस्त मनाया जाता है। जी जी हाँ जी बिल्कुल, कल रात से पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई है 15 अगस्त के इस पूर्व मौके पर। और जैसे कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और ये बाबी सैयद गेट और यहाँ तक कि हमारा सेंटेनरी गेट एज वेल। तो जी आज जी हम लोग ने ये इस ये हम लोग एक ये पूरी तरीके से कि ये आप कह सकते हैं हम ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से 15 अगस्त में हम लोग ने आज ये जो झंडा हम लोग ने पहना है एक तरीके से पूरे जहां में आज हम लोग मतलब 15 अगस्त का ही हर जगह माहौल है। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। एक तो हमारा 77th है ये इंडिपेंडेंस डे और अलीगढ़ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मनाया जाता है और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोग सब फ्लैग हम लोग पहन के घूम रहे हैं इसी वजह से कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इंडिया को। और आज ये तिरंगे को पहन के हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में महफूज होता है, इसी तरह इसी आज हमें हमारी फीलिंग्स हैं कि इस दुपट्टे को हमें पहन के बहुत सेफ फील हो रहा है। हमसे बहुत बहुत मुबारक और मेरी कामना ये है, मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। मैं ये देखता हूँ कि हमारा ये पूरा साल जो है खुशहाली से भरा हो और हम इसी तरीके से प्राउडली अपना नेक्स्ट 26 जनवरी मनाएं। और आप सबका बहुत आभार और आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ यूनिवर्सिटी के रिजॉल्व के साथ खड़े रहते हैं। आज आपको अभी 10:30 बजे हमारे डक पॉइंट के ऊपर आप अगर देखेंगे तो हमने सारे G20 के वहाँ पे फ्लैग्स लगाए हैं और वहाँ पे हम एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे जो बच्चों को एक जानकारी देगा। और हमने लाइब्रेरी में भी कोशिश की है कि एक और हमने सर सैयद एकेडमी में एक छोटी सी बुकलेट हम छापें जिसमें कि सर जितनी G20 कंट्रीज़ के बारे में उनकी जानकारी दें। इसके अलावा हमने एक अपना G20 पार्क भी ग्रीन पार्क बनाया है गार्डन जिसमें हमने तमाम G20 कंट्रीज़ के पौधे लगाए हैं। जी आपको जल्दी ही न्यूज मिलेगी, आज तो स्वतंत्रता दिवस पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्णनगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थ्रोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णनगर मथुरा।